सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात, आज उन्होंने कोरोना की दूसरी डोज, वैक्सीन की दूसरी डोज खुद एम्स जाकर लगवाई। 1 मार्च को उन्होंने पहली डोज लगवाई थी और लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की थी। आज भी उन्होंने एक बहुत मजबूत संदेश दिया है। दूसरी डोज ली है आज उन्होंने दिल्ली में एम्स में जाकर, और इस तरह से उनका वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज उन्होंने ली है, दूसरी डोज ली है। दिल्ली एम्स में जाकर पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। दोनों ही तस्वीरें 1 मार्च की भी और आज की भी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इन दो डोजेस के साथ वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ प्रधानमंत्री का, और उन्होंने यह अपील भी की कि जो भी लोग एलिजिबल हैं, जो भी पात्रता के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, वो तुरंत वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं कोविड-19 को लेकर। आज की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की निर्मित कोवैक्सीन का डोज लिया प्रधानमंत्री ने, आज दूसरा डोज लिया, बूस्टर डोज लिया उन्होंने आज। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ था, सीधा कनेक्ट है दिल्ली से। अविनाश, कब पहुंचे प्रधानमंत्री दिल्ली में एम्स में, और कितना वक्त लगा उनको वहां पर, क्या हुआ वहां पर? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे करीब ही एम्स अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने जाके अपने दूसरी डोज ली, क्योंकि अगर बात करें तो 1 मार्च को सरकार ने घोषित किया था कि जो 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, टीकाकरण ले सकते हैं। जिसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे पहले 1 मार्च को एम्स पहुंचे थे और उन्होंने टीका लिया था। इसके बाद अगर बात करें तो आज फिर से जब उनकी दूसरी डोज लग रही थी तो सबसे पहले एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां पे उनको 2 नर्सों ने टीका लगाया। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का ये संदेश है कि सभी लोग टीकाकरण करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि टीकाकरण के बीच में 4 से 6 हफ्तों का गैप होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री 5 हफ्तों के बाद आज दूसरा डोज उन्होंने लिया, क्योंकि 1 मार्च को उन्होंने पहला डोज लिया था और 8 अप्रैल है, तो यानी कि 5 हफ्तों के गैप के बाद उन्होंने अपना दूसरा डोज ले लिया है। और जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर जो तेजी आनी चाहिए थे वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो पात्र तो हैं लेकिन वो वैक्सीनेशन नहीं ले रहे हैं, टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं संक्रमण का और खतरा बढ़ रहा है और लगातार आंकड़े जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। कोरोना की जो दूसरी वेव चल रही है वो काफ़ी खतरनाक हम कह सकते हैं, क्योंकि आज भी 1,24,000 के करीब मामले आए हुए हैं पिछले 24 घंटे में, जो कि रिकॉर्ड है, यानी कि जब पिछले साल से कोरोना शुरू हुआ था और आज की तारीख में अगर देखें तो 1,24,000 मामले के करीब कभी नहीं आए, लेकिन आज आए। बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 5,500 से ज़्यादा मामले आए, उत्तर प्रदेश में 6,000 मामले आए, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो दूसरी लहर है कोरोना की वो काफ़ी खतरनाक है, और इससे कहीं ना कहीं बचाव के लिए जो तमाम सारे एहतियात उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है लगातार, इसको अपनाएं लोग, लेकिन अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। कई सारे लोग मास्क लगा कर नहीं चल रहे हैं, सैनिटाइज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो पात्र हैं वो टीका नहीं लगवा रहे, तो तमाम सारी चीजों को दूर करना होगा तभी कोरोना पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। ठीक कहा आपने अविनाश, हमारे साथ बने रहिए आप। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा राजधानी लखनऊ में। 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा, और जरूरी चीजों को लाने और ले जाने की छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में यह कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। रियायत क्या क्या होंगी वो आपको बता देते हैं। जरूरी चीजों को लाने ले जाने की छूट होगी, फल सब्जी दूध एलपीजी पेट्रोल डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। नाइट शिफ्ट के सरकारी और सरकारी जरूरी सेवाओं के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को छूट रहेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग वॉकर्स के लिए आपको बताएं महत्वपूर्ण क्या होगा। LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक खुलेंगे। पार्क में सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। सभी स्टाफ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराएंगे, और 1 से ज्यादा बीमारी से पीड़ित 65 साल से ज्यादा के लोगों पर पाबंदी है। गर्भवती और 10 साल से छोटे बच्चों का पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। बड़ी खबर वाराणसी से, कोरोना के चलते आज से और सख्त हो गए हैं नियम।
रात 9 बजे से लागू हो गया नाइट कर्फ्यू, एक हफ्ते के लिए सख्ती की जाएगी। सुबह कब तक कर्फ्यू लागू होगा इस पर फैसला नहीं है। सभी सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किए जाने का फैसला है। सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के वक्त विद्यालय और महाविद्यालय खुलेंगे। नियम क्या है बता दें आपको, चिकित्सा नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को छूट। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। निजी विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग्स बंद रहेंगे।